हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर हम हिंदी भाषा में कन्फेस करना चाहो तो हम हिंदी भाषा में कर सकते हैं, अगर हम इंग्लिश भाषा में कन्फेस करना चाहो तो इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं, अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ कन्फेस करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने मुँह से इन शब्दों को बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम अ लाइट इन अ डार्क वर्ल्ड एंड माई लाइट शाइन्स एवरीवेयर। आई एम होली कमिटेड टू इंटरसीडिंग फॉर द सोल्स ऑफ मेन अराउंड द वर्ल्ड एंड द स्प्रेड ऑफ द गॉस्पल, नोविंग दैट द गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सल्वेशन इन जीसस नेम, आमेन। मैं अंधकार के जगत में ज्योति हूँ, मेरी ज्योति सभी जगहों में चमकती है। मैं संपूर्णता समर्पित हूँ, मनुष्यों के प्राणों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए जो जगत भर फैले हुए हैं मनुष्य उनके लिए, और सुसमाचार फैलाने के लिए जानते हुए कि सुसमाचार की सामर्थ परमेश्वर की है जो मनुष्यों के प्राण पापों से मुक्ति पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, यीशु नाम में, आमेन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स TPT, ये बाइबल में से हमने पढ़ना है, और आइज़या 60 चैप्टर 1 वर्स से 3 वर्स। आज मैं जब मनन करने को, मतलब मैं जब प्रभु भोज लेने को शुरू कर रही थी, उस समय परमेश्वर के साथ मैंने जो बातें किया वो मैं मनन करने वाले वचन के अंदर से जो मुझे मिला है वचन, ये उसी के आधार से है। तो आज मैं जो शेयर करूँगी आपसे, मैंने परमेश्वर को कुछ क्वेश्चंस किया प्रभु भोज लेने के समय में, और उसके वक्त में मैंने परमेश्वर से जवाब मांगा और परमेश्वर ने मुझसे बातें की और मेरे रास्ते सीधे हो गए। ओके, मेरे रास्ते सीधे हो गए। और मैं निश्चित विश्वास करती हूँ कि ये जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं और जो कबूली हम कर रहे हैं, ये मेरे अंदर का जो मैंने सवाल किया था परमेश्वर से, मेरे अंदर से वो परमेश्वर की आत्मा ही ने कराया सवाल, और निश्चित है कि आप लोग भी उसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवन दाता है। कोई उसके तरफ जाता है तो जीवन का सीक्रेट स्रोत लेकर आता है, और वो अगर हम अपने समयों में एक दूसरे को बांटते हैं तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए बहुत प्यारा समय रहता है जब हम परमेश्वर को कुछ बोलते हैं और पवित्र आत्मा से वो बोला जाता है और फिर उसी से जवाब भी आता है, तब बहुत प्यारा परमेश्वर का जीवन का स्रोत हमारे लाइफ में खुलता है और हमारा जीवन छुटकारे में आ जाता है। ठीक है।
हम रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स टीपीटी वर्शन में से पढ़ेंगे। रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स टीपीटी मतलब द पैशन ट्रांसलेशन वर्शन, द पैशन ट्रांसलेशन वर्शन। ओके, बी एंथुसियास्टिक टू सर्व द लॉर्ड, कीपिंग योर पैशन टूवर्ड हिम बॉइलिंग हॉट, radiate with the glow of the Holy Spirit and let him fill you with excitement as you serve him. और एक बार पढ़ेंगे Romans 12 chapter 11 verse TPT the Passion Translation Bible में से। Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit and let him fill you with excitement as you serve him. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री बारह अध्याय का 11 वचन हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 11 वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये इतना ही दिया है, लेकिन अगर द पैशन ट्रांसलेशन में है वो बहुत ज़्यादा दिया है। देखिए कैसा लिखा है, बी एंथुसियास्टिक टू सर्व द लॉर्ड, यानी भारी उत्साह से अपने आप को भरकर रखना है कि हम प्रभु की सेवा कर सके। ओके, कीपिंग योर पैशन टूवर्ड हिम बॉइलिंग हॉट, हमारे अंदर का धुन उबलता हुए पानी के समान गर्माहट से भरा हुआ हमने रखना है प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के बातों की ओर। रेडिएट विद द ग्लो ऑफ द होली स्पिरिट, जो हमारे अंदर से चमक निकलती है वह पवित्र आत्मा के जो चमक है उसके साथ हमारे अंदर की रोशनी सब जगह फैलनी चाहिए। एंड लेट हिम फिल यू विथ एक्साइटमेंट एस यू सर्व हिम, और ऐसा ही होते जाना है जब भी आप प्रभु की सेवा करेंगे, भारी उत्साह आपके अंदर भरपूर होता जाए। जितनी आप उसकी सेवा करोगे उतना उत्साह आपके अंदर आपकी सेवा ग्रहण करने के समय में आपको मिलती रहे, वो उत्साह आपके अंदर बढ़ता जाए, भरता जाए। ये सब इतने इसमें लिखा हुआ है। तो हम अगर कंपेयर करेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन हिंदी में जो लिखा है वो इस प्रकार से, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ठीक है, तो ये वचन हमारे लिए परमेश्वर की सेवा के लिए दिया गया है। मैंने परमेश्वर से जो सुबह शुरू करने से पहले मांगा था वो ये था कि हमने परमेश्वर समझ लिया है कि हम तेरे लिए अर्पण हो चुके हैं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज का मतलब ही वह रहता है कि यीशु मसीह के शरीर को क्रूस के ऊपर तोड़ा गया है। तो यीशु मसीह का शरीर क्रूस के ऊपर तोड़ा गया है, दैट्स ओके, ठीक है, वो तो ठीक है, यीशु मसीह का शरीर क्रूस के ऊपर तोड़ा गया। अब उसके साथ हमारा क्या कनेक्शन करना है वो
पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की समझने में। ओके, देखो हमारा शरीर जो है परमेश्वर के विरोध चल चुका है, ठीक है। हमारा शरीर पाप का घर बन चुका था, ठीक है। ये मिट्टी का शरीर जो आज हम जीवन जी रहे हैं, ये मिट्टी के शरीर को परमेश्वर मंदिर के हिस्सों में बाहरी आंगन कहता है, ठीक है। बाहरी आंगन मतलब क्या रहता है? बाहरी आंगन को बाहर से शहरपनाह की भी ज़रूरत रहती है। ओके, जब आपके घर की दीवारें हैं तो अंदर के तरफ आप अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन बाहर के तरफ आप अगर कुछ पौधे लगाएंगे या दीवार के ऊपर कुछ स्टिकर्स लगाएंगे तो बाहर से आने जाने वाले लोग वो बाहरी तरफ जो हमारे घर की दीवार है हमको बिना पूछे हाथ लगा सकते हैं, हमको बिना पूछे जादू टोना करके जा सकते हैं, हमको बिना पूछे कुछ भी नुकसान करके चले जा सकते हैं, हमको बिना पूछे। जब आप मेन डोर बंद करते हैं तो आपके मेन डोर को आप अंदर से आपकी तरफ से आपको चाहिए वैसा आप उसके रखवाली और साफ सफाई अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ से जो उसका पोर्शन है, बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ का फेसिंग जो हमारे मेन डोर का रहता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं करते हैं। उसके बारे में हम साफ सफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रभु यीशु का वचन लगा सकते हैं, उसके ऊपर हमारे ध्यान नहीं लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान लगाने के लिए कैमरा लगा सकते हैं, और उसके बारे में भी कैमरा अगर लाइट गया तो हम उसके बारे में भी हताशा हो सकती है कि हम देख नहीं पाएंगे किसने क्या किया उस समय। ओके, और ये तरह से बाहर का तरफ का जो एरिया है वो अगर हम कंपाउंड भी डालेंगे तो भी कंपाउंड को भी बाहर की तरफ से कोई भी नुकसान कर सकता है। यानी बाहरी तरफ का जो भी रहेगा वो पब्लिक के बीच में रहता है, आप पब्लिक से उसे बचा नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्लान करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, जैसे हमारे अपने देश में जो ये रहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जिसको कहते हैं, उनके जो जो देश के लिए जो बनाए जाते हैं चीज़ें उनके लिए कड़ी बंदोबस्त किए हुए शहरपनाह रहती है, तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक वायर डालते हैं जिस वायर्स के अंदर से, जो तार के अंदर से कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी बहती रहती है। ओके, अगर कोई उसको पक्षी भी छू जाए तो वहीं पर वो ढेर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। ओके, वो उसको छू भी नहीं सकता है। ओके, लेकिन शत्रु अगर फिर भी उसको वहाँ से कुछ काम है, दुष्टता करना है, तो फिर वो उस वायर को पार करने वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। ओके, तो आप कितना भी कड़ा बंदोबस्त करो, कैसे भी बंदोबस्त करो, लेकिन जो बंदोबस्त के एक परमेश्वर ने कहा है, अगर मैंने लोहा बनाया है, ओके, घमंडियों को वो क्या कहता है कि लोहे की गर्दन है उनकी जो टूटना नहीं चाहती है और झुकना भी नहीं चाहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लोहे की समान गर्दन है तो भी मैं उसको तोड़कर भूसे में बदल दूंगा। ओके, तो वैसे ही परमेश्वर ने क्या बोला कि अगर मैंने लोहा बनाया है तो लोहे को तोड़ने वाला भी बनाया है। हाँ, अगर मैंने शक्तियाँ बनाई है तो शक्तियों को तोड़ने वाली भी शक्ति मैंने बनाई है। हालेलुया, तो हमारे लिए डिस्ट्रॉय करने का भी परमेश्वर के तरफ रास्ता है और तैयार करने का भी परमेश्वर के, बिल्ड करने का भी परमेश्वर के पास रास्ता है। ओके, तो ये बाहरी आंगन के बारे में मैंने परमेश्वर से बात किया, मैंने प्रभु भोज के समय में, मनन के वक्त में मेरे अंदर से परमेश्वर का ये आवाज़ मैंने फॉलो किया कि तो प्रभु भोज का जो विषय लिया है वो विषय, तो जब शरीर उसका यीशु मसीह का ऊपर ऊंचा उठाती है तब ये तुझे क्या क्या
प्रकट करता है तेरे अंदर। तो मैंने परमेश्वर से बोला, ये यीशु मसीह का शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया है, और मेरे शरीर में जो पाप और अधर्म बसा हुआ था वो परमेश्वर ने दंड देने वाला था, पनिश करने वाला था, उस दंड को, उस पनिशमेंट को प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर डाला गया। अभी मेरा शरीर निर्दोष निष्कलंक है, शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, परमेश्वर से स्वीकारा गया। तो फिर परमेश्वर ने बोला, फिर भी तेरे शरीर के ऊपर अटैक्स क्यों आते हैं, दुष्ट आत्माएं क्यों आती है, फिर भी तेरे शरीर को दुष्ट आत्माएं क्यों छूती है, समझ में आया? तो मैंने सवाल किया, यही तो मेरा सवाल है परमेश्वर, कि तू मुझे बता दे, ठीक है। और जब परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये एग्जाम्पल्स दिया कि तेरा जो मनुष्य का शरीर, जो प्रभु में आ चुका है शरीर, वो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर तो बन गया है, लेकिन वो बाहरी आंगन है। ओके, जब हम उठा लिए जाएंगे ना परमेश्वर के आगमन में, प्रभु यीशु के आगमन में उठा लिए जाएंगे, उस समय भी ये शरीर यहीं पे पड़ा रहेगा, छोड़ देंगे हम। ओके, इस शरीर के अंदर जो हम हैं वो है हम आत्मा। ओके, मनुष्य आत्मा जो पवित्र आत्मा के संगति में एक हो चुका है। ओके, हम वो आत्मा शरीर के साथ जब हम यहाँ पर है तो उठा लिए जाएंगे, लेकिन बाद में उठाए जाने के वक्त में हमको नया शरीर पहनाया जाएगा। हालेलुया। तो अभी के समय के लिए इस शरीर का बाहरी आंगन कहलाना, इसका मतलब ये शरीर पब्लिक के बीच में है, पब्लिक में कोई भी हो सकता है। ओके, पब्लिक के अंदर यीशु के लोग भी रह सकते हैं, पब्लिक के अंदर अशुद्धता के जगत के लोग भी हो सकते हैं, पब्लिक के अंदर कोई अशुद्ध आत्माएं भी हो सकती है, पब्लिक के अंदर कुछ भी रह सकता है। ओके, पब्लिक में कोई कंपल्शन नहीं रहता है कि यहाँ पर सिर्फ क्रिस्ट मसीही लोग ही रहेंगे, या फिर यहाँ पर कोई दूसरा नहीं आ सकता, हम पाबंदियाँ नहीं लगा सकते हैं, समझ में आया? तो ये शरीर पब्लिक के बीच में है, परमेश्वर का मंदिर का ये बाहरी आंगन है, यही बाहरी आंगन के लिए हमारे लिए परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस था, उसने हमको वेपन्स दिए, हथियार दिए। ये हथियार क्या थे? विश्वास की ढाल, उद्धार का टो, धार्मिकता की झीलम, पैरों में मेल के तैयारी के जूते, कमरबंद, सच्चाई का कमरबंद, आत्मा की तलवार। ओके, और परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे पीठ पीछे, हमारे पैरों को ठेस लगने से बचाने के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत, हमारे रास्ते सीधे करने के लिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करने के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत आगे जाता है। हमारे लिए जो दुष्टता के पानी होते हैं सुखा दिए जाते हैं, दुष्टता की आग जो रहती है वो बुझा दी जाती है। हमारा जीवन परमेश्वर बाहरी आंगन को किस तरह से रखना है, यही तो प्रेरित पौलुस ने उस हथियार के विषय में लिखा, तुम निरंतर प्रार्थना में बने रहो। ओके, बाहरी आंगन का आप पब्लिक के बीच में से उसका कोई सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं। ओके, बाहरी आंगन का आपको सिर्फ आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, आप रोक लगा सकते हैं, इससे आप मना कर सकते हैं, इससे आप अपने शहरपना को मजबूत रख सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादती करता है तो आपको भी कड़ा बंदोबस्त उठाकर उसका सामना करना पड़ता है, समझ में आया? तो आपका शरीर बाहरी आंगन है, बाहरी आंगन के ऊपर जब उपद्रव आते हैं, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे जो सिखाया ये समय, वो मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये सिखाया, प्रॉब्लम तेरे में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे पाप करने में नहीं है, या अशुद्धता के कामों में नहीं है, प्रॉब्लम तू नहीं है, प्रॉब्लम पब्लिक के बीच में
ये बाहरी आंगन रहता है, इसे तूने अभी तक समझा नहीं। ओके, जब भी मैं ये बात को ध्यान लेती हूँ कि मेरे शरीर पर अटैक किए जा रहे, मेरा शरीर कोई अशुद्ध कामों में फंसा है क्या, मेरा शरीर कोई अशुद्ध बात में है क्या, मेरा शरीर कोई अशुद्धता के चंगुल में है क्या, नहीं। ओके, तो आपके शरीर में अगर बीमारी है, आपके शरीर में अगर रोग है, आपके शरीर में अगर कोई कमज़ोर अवस्था है, आपके शरीर में कुछ भी रहे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसको फाइट करना है और उसे उखाड़ देना है और उसके ऊपर अपना नियंत्रण ले लेना है। ओके, आपके शरीर के ऊपर कोई उपद्रव करता है तो उस आत्मा के साथ आपको फाइट करना पड़ता है, उसको उखाड़ देना पड़ता है और आपके शरीर को उन शक्तियों से छुड़ा लेना पड़ता है। समझ में आया? तो आप जब ये काम करते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर की रखवाली कर रहे हैं जिसका बाहरी आंगन शरीर है। ओके, हमको शरीर में परमेश्वर ने कहा लगातार परमेश्वर का मनन किया करो, लगातार परमेश्वर के भजन किया करो, लगातार परमेश्वर को स्थान दिया करो, ताकि ये बाहरी आंगन हमेशा पवित्रता में बना रहे। हालेलुया। और इसके ही कारण हम प्रभु भोज में यीशु मसीह का शरीर ऊंचा करते हैं और हम बोलते हैं कि यीशु मसीह तेरा शरीर हमारे अधर्म, हमारे पाप जो हमने पीढ़ी से या रोज के जीवन में हमारे जीवन में आए हुए हैं, वो सारे पाप प्रभु यीशु के ऊपर डाल देते हैं और वही पापों का जो पनिशमेंट था यीशु मसीह ने उठा लिया और वो शरीर मृत्यु तक भेजा गया, नरक में उसको सहन करना पड़ा, वो शक्तियों के बीच में, दुष्टता के शक्तियों के बीच में उसने सब कुछ सह लिया, आह तक नहीं किया। और वहाँ से फिर जब परमेश्वर उसके खून का बलिदान स्वीकार लिया, तब परमेश्वर के आत्मा ने वहां प्रवेश किया और उस मृत्यु के जगह में से प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के आत्मा ने पुनरुत्थित करके बाहर लाया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह तेरा जब शरीर मैं खाती हूँ तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे शरीर का अब कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप बाकी नहीं है, अब मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट बाकी नहीं है, मेरा सारा पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है, अब मेरे शरीर को मैं प्रभु यीशु के सेवा में दे देती हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु के उजियाले में चमकने के लिए दे देती हूँ। ओके, जैसा पिता ने कहा है, जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो जाओ। ओके, तुम में से मैं प्रकट हो जाना चाहिए, वो काम के लिए परमेश्वर मैं अपने शरीर को दे देती हूँ। ओके, और ये समय रहता है जब आपने शरीर को दे दिया तो फिर आपका शरीर को आप ऐसा समझते हैं कि अब कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, आप परमेश्वर के काम को अपने शरीर को दिए, यही तो प्रॉब्लम आ गया। ओके, यहाँ पे आप बाहरी आंगन है और आपका शरीर अब पाप नहीं करने वाला है, आपका शरीर पाप से दूर भागेगा, अशुद्धता से दूर भागेगा, अब आपका शरीर कोई भी दूसरे जगह में ध्यान नहीं देगा जो अशुद्धता का है। इसके लिए शैतान के जगत के शैतानी आत्मा के लोग आपको बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि आपके शरीर में पवित्रता अगर बढ़ने लगेगी तो आपके ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक आता रहता है, वो अभिषेक उनके कामों को खत्म कर देता है, उनके कामों को रोक देता है, उनके आत्माओं को उनके घरों में आने नहीं देता है, उनके जगहों में उनके आत्माओं को रुकने नहीं देता है। क्योंकि हमारा शरीर जितना सेवा में दिया जाएगा, जितना परमेश्वर के कामों में दिया जाएगा, उतना ज्यादा परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ संगति में रुकते हैं। ओके, जब हमारे स्वर्गदूत परमेश्वर के हमारे साथ संगति में बढ़ जाते हैं, तब शैतान के जगत की जो गैंग है वो हमारे इर्द गिर्द ठहर नहीं पाती है।
ओके और इसके लिए हमारे संगति के स्वर्गदूत की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, तो हमको शरीर में क्लेश डाला जाता है, शरीर में रोग पीड़ाएं या कोई प्रकार के हमें सतावट की बातें डाली जाती है। तो मुझे प्रभु यीशु के आत्मा ने ये बताया कि हम इस समय में फाइट करते हैं और हमारे लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत वो फाइट को जीत कराते हैं। हालेलुया। और इस फाइट को हम यीशु के नाम में इस्तेमाल करते हैं, यीशु के नाम के सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं और हम उन सारी शक्तियों के ऊपर प्रबल हो जाते हैं। ओके, जब तक हम शक्तियों के ऊपर प्रबल नहीं हो जाते हैं तब तक वो शक्तियाँ आपके सामने डिंगे मारती है। ओके, आपके सामने अपनी गर्दन कड़ी दिखाती है। ओके, लेकिन आप अगर दस से मस नहीं होंगे अपने विश्वास के अंदर से, तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऑलरेडी टूट चुकी है पहले ही दिन, जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि मैं इन शक्तियों से छुटकारा पाऊंगी, मैं इस रोग से आज़ाद हो जाऊंगी, मैं इस श्राप में से आज़ाद रहूंगी, मैं कोई भी फाइनेंशियल फेलियर्स अपने ऊपर नहीं स्वीकारूंगी, मैं कोई भी प्रकार के अधर्म को मेरे जीवन में होने नहीं दूंगी, उसी समय शैतान के काम ख़त्म हो जाते हैं। ओके, शैतान की सारी सेना ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो आपको सिर्फ झूठापन दिखा सकते हैं कि नहीं नहीं मैं अभी भी हूँ, नहीं नहीं मैं अभी भी हूँ। और इसके लिए हम ये बात में फंस जाते हैं, क्या मेरे पास पाप है, क्या मेरे पास अशुद्धता है क्या, अय्यूब की तरह हम अपना न्याय करने बैठ जाते हैं। ओके, तो ये समय हमारा न्याय करने का नहीं रहता है, ये समय हमको विश्वास उठाना है कि पाप हम में नहीं है, अशुद्धता हम में नहीं है। ओके, हमारे कोई गलती गुनाह जो भी है वो परमेश्वर ने हमारा माफ़ कर दिया। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम वही को स्मरण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम इकट्ठे हो तब तब तुम यही किया करो। हालेलुया। तो हमारे अंदर का हर समय का अपराध, हर समय के दंड परमेश्वर के प्रभु भोज के समय में ख़त्म किए जाते हैं और हम नए सिरे से उठ जाते हैं। तो वो नया सिरा हमको ताकत देता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देता है, भाई ये तो कोई पाप का मसला, अशुद्धता का मसला नहीं है, ये तो ज़िद्दी मसला है शैतानी जगत का। ओके, ये ज़िद्दी मसला आपको सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि आपका शरीर अगर पवित्रता में बढ़ता जाएगा तो परमेश्वर के स्वर्ग की सेना आपकी सहायता के लिए ज़्यादा रहेगी और उस सहायता के लिए जब वो यहाँ पृथ्वी के ऊपर आपके संगति में रहेगी तो इर्द गिर्द अशुद्ध आत्माओं का काम नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो जब आपके ऊपर भारी प्रकार का सताव रहता है, जब आपके ऊपर भारी ओपोजिशंस रहते हैं, विरोध रहते हैं, तो आपको भी भारी प्रकार से ये विश्वास पकड़ लेना है कि आपके संगति में भारी प्रकार के स्वर्गदूत परमेश्वर के हैं। ओके, अगर आप प्रार्थना ज़्यादा करेंगे, अगर आप प्रार्थना के साथ साथ विश्वास में ज़्यादा रहेंगे तो आपके अंदर से जो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सहायता के लिए है, आपकी सहायता करने के लिए है, वो सारे सहायता के स्वर्गदूत परमेश्वर के काम करने वाले यहाँ के लोगों को मन फिराव देने लगेंगे, परमेश्वर के काम को आनंद मानना सिखाएंगे, परमेश्वर की योजना को स्वीकारना सिखाएंगे और परमेश्वर का आज बढ़ता जाएगा। इसके लिए प्रभु यीशु हमको बोलता है तुम दुष्ट के ऊपर से अपनी नजर हटा दो। समझ में आया? इसके लिए परमेश्वर हमको बोलता है तुम दुष्ट के ऊपर से अपनी नज़र हटा दो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर अपनी ध्यान लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर अपना विश्वास डालो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तारीफ़ को करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वचनों में ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझ पर अपनी आँखें अपनी दृष्टि लगाओ। तो क्या हो जाएगा मालूम है? उतना ज़्यादा स्वर्ग की सेना हमारे पास रहेगी और हमको पता भी नहीं रहेगा अभी इस समय वो किस इंसान के साथ बैठ के बातें कर रही है, अब किस इंसान को परिवर्तन होने के लिए वो सिखा रही है, अब किस इंसान को वो परमेश्वर के राज्य की तरफ ला रही है, हम गिनती भी नहीं करके बता सकेंगे। इतने लोगों तक हमारे कारण परमेश्वर की सेना पहुंच जाएगी।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की सेना जब उतरती है तो वो हमारे लिए उतरी तो है, लेकिन वो हमको अब ज़रूरत नहीं रहती है। हमको हमको हमने जो जगह दिया परमेश्वर को, वो परमेश्वर की सेना इसीलिए उतर कर आई और वो अब हमारे इर्द गिर्द के जगह ज़मीनों को परमेश्वर के राज्य में बदलती जा रही है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से शैतानी जगत रहता है। अगर शैतानी जगत के लोगों का ज़्यादा चलने देंगे, चुप रहेंगे हम पवित्र जाति लोग, तो फिर क्या हो जाएगा, उनकी सेना ज़्यादा रहेगी और फिर उनकी सेना लोगों को उनके दुष्टता के बातों में सिखाती जाएगी और बढ़ाती जाएगी। ओके, जिसके बारे में नूह का समय कहा गया था। नूह के समय ऐसा समय था कि वहाँ पर दुष्टता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि परमेश्वर को स्वर्गदूत को भेजना दूर की बात है, पानी के बाढ़ भेजकर सब नाक में जिसके श्वास है सब कुछ को परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से दुष्टता का बहाव परमेश्वर को रोकने, परमेश्वर रोकना चाहता है और वो रोकने का काम हमको दिया गया है। तो हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई आक्रमण आता है, हमारे इमोशंस के ऊपर, सोच के ऊपर अगर कोई आक्रमण बैठता है, तो आप ये बात मत लीजिए दिमाग में कि आपके पाप के कारण या अशुद्धता के कारण या कोई चीज़ आपके घर में रखी गई इसके कारण या कोई प्रकार का कुछ नहीं है। यह सिर्फ इसीलिए है कि आपके संगति के स्वर्गदूत आप तक नहीं पहुंचे। समझ में आया? जब भी हम परमेश्वर का संगति छोड़ देते हैं और दुष्ट आत्माओं के जो काम है, जो तकलीफ देने चल रहा है, हम उसकी ओर अपना ध्यान देते हैं, तब हम परमेश्वर के स्वर्ग के सेना को रोक देते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से दानियल को याद कीजिए। दानियल ने क्या किया था, जिस दिन उसने प्रार्थना करने बैठ गया उसी दिन परमेश्वर का जवाब उसके पास आ गया था। ओके, लेकिन उसको रोकने वाले जो आकाशमंडल में जो सेना थी, वो सेना के कारण उसका प्रार्थना 21 दिन तक लंबा कर दिया गया। वो प्रार्थना करता रहा, उसको मालूम ही नहीं जवाब आ चुका है लेकिन उस तक पहुंचा नहीं। इसकी वजह से वो धोखा खाता रहा और वो रोज़ यही प्रार्थना करता रहा, क्या है परमेश्वर, क्या तू हमारे लिए कुछ करने वाला है कि नहीं। ओके, और जब उसके पास पहुंचा जवाब, तब बड़ा सा संजीवन उस देश में आ गया, सब कुछ बदल गया। परमेश्वर ने उसको बड़े भेद बताए और आने वाले समयों के बारे में उसने लिख के रखा, जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, और आज के समय के बारे में उसने उस समय परमेश्वर ने उसको देकर रखा था। हालेलुया। जो हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के बारे में जो हम पढ़ते जाते हैं सिखाए हुए बातों को, वो क्या है, वो सब उन्होंने उस तरह से प्रकाशन पाया है जो पहले से लिख के रखा है, और उसमें से वो हमको गाइड कर रहे हैं, उससे उसमें से हमको वो टीचिंग्स दे रहे हैं कि ये अब आने वाला समय ऐसा है, ये अब हो रहा है, इसके बारे में सचेत रहना, अब प्रार्थना की आवश्यकता है, अब ये करने की आवश्यकता है, अब उपवास में रहने की आवश्यकता है, सब कुछ उनका वो तरह से जो उनके अंदर पवित्र आत्मा ने पुराने वक्त में लिखी हुई बातें जो पवित्र बाइबल में है उसका प्रकाशन उनको दिखाया कि ये आज के दिन में, ये आज के समय में होने जा रहा है, तुम लोग इसके बारे में ऐसे ऐसे रहो, तो वैसे वैसे वो हमको मार्गदर्शन के लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को पहुँचा दिए, उनके टीचिंग्स आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। समझ में आया? तो हमारे लिए आज का समय, जो आज हम वचन पढ़ रहे रोमियो के 12 अध्याय का 11 वचन, हमको बोला है तुमको उत्साह में रहना है प्रभु की सेवा करने के लिए, उत्साह में रहना है। तो अब हमको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब, अब देखिए, अगर समझो आपने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और फिर भी अगर समझो आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आप कुछ बातों में गलतियां किए जा रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन चाहता है वैसा नहीं कर रहे, तो आप प्रभु भोज लेकर अपना दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। प्रभु भोज से आपके अपराध, आपके शरीर के सारे अधर्म जो आप कर चुके, जो नहीं करना चाहिए था आपको, लेकिन अब आपके मन में आ गया कि ये तो मेरे से गलत हो चुका है, ये तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप प्रभु भोज से शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे ही प्रभु भोज से आप शुरुआत कर दिए, फिर आप देखना कि आपका शरीर तो पाप से, अशुद्धता से छूट गया, आपको परमेश्वर ने स्वीकार लिया,
लेकिन फिर भी आपको वही गंदे काम, वही बुराइयां करने का अवसर मिलता रहेगा, ओके? स्टरिंग्स मिलते रहेंगे, ओके? दुष्ट जगत के अंदर के, आपके अंदर के कनेक्शंस ताजा रहेंगे, ओके? वो आपको फिर भी याद दिलाएंगे, आपको फिर भी अपने वश में करके आपको दोबारा उस रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे, ओके? तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ये बाहरी आंगन है, ये बाहरी आंगन है, ये बाहरी आंगन एक्सपोज्ड है अंधकार के जगत के अंदर, एक्सपोज्ड है ये बाहरी आंगन के बारे में, तुम अपने हथियार को ऊंचा करो। हालेलुया, ये बाहरी आंगन का आप प्रोटेक्शंस के लिए मत ढूंढो, आप हथियार इस्तेमाल करना शुरू करो। जैसा मैंने कहा कि कोई देश का ज़्यादा बड़ा काम करने वाला ऐसा कोई रहेगा तो उसके जो घर की सिक्योरिटी, उसके कंपनी के सिक्योरिटी, उसके कामों की सिक्योरिटी जो रहती है वो भारी प्रकार के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लगाई जाती है। लेकिन जो साधारण सा घर है, कोई जंगल में है, तो उसकी सिक्योरिटी के जो बाउंड्रीज रहते हैं वो अलग तरह के रहते हैं कि जंगली जानवरों से वो बचाए जाए। अगर कोई साधारण रास्ते के ऊपर घर है तो वो सिर्फ इतना ही देखता है कि राह चलता कोई इंसान घर की तरफ ना मुड़े, तो वो अपने एक फाटक को लगा के रखता है, ओके? तो हम ये सब बातों की सिक्योरिटी के स्टाइल्स देखकर समझना है कि सिक्योरिटी कौन से प्रकार के हमको चाहिए। हालेलुया, हमारे लिए कौन सी सिक्योरिटी ज़रूरत है। लेकिन क्या फिर वो जो दुष्ट जगत के लोग हैं जो ऐसे फाटकों को भी मानना नहीं चाहते हैं, जो वॉयलेट करना चाहते हैं फाटकों के सारे नियमों को, तो फिर उनके लिए क्या किया जाता है, उनको सीधा ख़त्म हो जाएगा ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट लगाया जाता है, या तो उनको शूट कर दिया जाता है या फिर उनको कोई प्रकार के पनिशमेंट्स किए जाते हैं। हालेलुया, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये सिक्योरिटीज़ के वेराइटीज़ है और बाहरी आंगन के ऊपर आक्रमण आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको रुकने भी नहीं दे सकते हैं, रुकने भी नहीं देना है। हालेलुया, जैसे कोई चिड़िया अगर सिर के ऊपर ऐसे मंडराते रहे, इट्स ओके। लेकिन अगर वो अपनी एक घोंसला बनाने के लिए आपके सिर के ऊपर घास फूस ला कर रखने लगे, तो आपको उसे झटके लगा कर गिरा देना है, उसको अपना घर बनने नहीं देना है। हालेलुया, तो इस प्रकार से आपका शरीर का अवस्थाओं में, आपका चीज़ों के अवस्थाओं में आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में आपका पाप प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अशुद्धता प्रॉब्लम नहीं है। आप जब प्रभु भोज लेते हैं आप अशुद्धता से निपट लिए होते हैं, आप गलतियों से निपट लिए होते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ओके? लेकिन आप उसके बाद जब आक्रमण फिर भी आपके सिर पे मंडराते रहते हैं, आपके शरीर को परेशान करते हैं, तो सिर्फ इतने लिए करते हैं कि आपकी स्वर्ग की सेना आपकी प्रार्थनाओं के कारण उतर कर ना आ सके। समझ में आया? अगर स्वर्ग की सेना उतर कर आएगी तो जो परमेश्वर का राज्य है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के मन बदलने लगेगा। समझ में आया? लोगों के जीवन परमेश्वर में बढ़ने लगेंगे, दुष्टता खत्म होती जाएगी। ये सीक्रेट शैतान के जगत के लोग जानते हैं, ओके? तो जब आपकी सेना उतर कर आएगी तो लोग ड्रग एडिक्ट्स नहीं बन सकेंगे। आपके लोग, आपके लिए परमेश्वर की सेना जब उतर कर आएगी तब लोग कोई भी गंदे काम नहीं कर पाएंगे, कोई चोरी, कोई उचक्के के काम नहीं कर पाएगी, कोई दुष्टता के काम, कोई प्रकार के लड़ाई झगड़े, कोई भी मंत्र तंत्र श्राप देना वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सेना को रोकथाम लगाने वाले हमारी तरफ से स्वर्ग की सेना काम करेगी। हालेलुया, तो ये नहीं होना चाहिए, हमारी स्वर्ग की सेना की मात्रा हमारे इर्द गिर्द नहीं बढ़ना चाहिए। ये कारण से आपको सताव किया जाता है, आपके शरीर को सताव किया जाता है, तो आपने उसके बारे में हथियार के इस्तेमाल करना सीखना है। और आपको शुद्ध अशुद्ध बातों में पढ़ना नहीं है, आप बिल्कुल शुद्ध हो। जब प्रभु भोज लेते हो तो आप शुद्ध हो, आपके अंदर की सिर्फ एक बात, एक ज़मीन को आप थाम कर रखना है जो आज वचन हमको, पैशनेट रहना है परमेश्वर के लिए।
ओके और फिर भी अगर अशुद्ध आत्माओं का परेशानी आपको होता है तो आप उसको रुकने मत दो अपने लाइफ में, तुरंत प्रभु भोज डाल के, प्रभु भोज लेके अपने जीवन को शुद्ध करो। ये आपके शुद्ध रहने का, आपका धुन बनाए रहने का रास्ता है। आपको वो ठंडा पड़ने नहीं देगा, आपको वो ज्वलंत रखेगा। हालेलुया। जब भी आपको कुछ जगह में, कुछ चीज़ों में सताया जाएगा, जल्दी से प्रभु यीशु के प्रभु भोज को स्मरण करो और उस स्मरण को याद करो कि जो प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर बलिदान किया है, यीशु मसीह ने लहू को बहाया है, और आप मान लो उसे, स्वीकार लो, और आपके अंदर से वो अशुद्ध कामों का जो भी अटैक आपके ऊपर किया गया था सब खत्म हो जाता है। समझ में आया? और ये रोज का रोज, हर समय, हर पल, जब भी आपको अशुद्धता के जगत में से आक्रमण होता है, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन या कोई भी प्रकार का कुछ भी, फाइनेंशियल फेलियर हो या रिश्ते टूटना हो, जो भी आक्रमण हो, ओके, या चिड़चिड़ाहट हो या घबराहट हो, जो भी आक्रमण हो, कोई भी हो, ओके, तुरंत प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान को स्मरण करना है। और यही स्मरण आपको शुद्ध कर दिया है, अब वो कोई असर नहीं है आपके ऊपर। आपने ले लेना है अपने अंदर, खींच लेना है अपने अंदर, जिद लगा के पकड़ लेना है, और फिर उसके बाद धुन में बढ़ना है आगे। हालेलुया। ये वचन वही कहता है कि अपने धुन खोइए मत, अपने धुन को जल जलाहट से, उबलता पानी जैसा रहता है वैसा आपको हॉट अपने अंदर वो उत्साह रख रहा है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की सेवा करने के बारे में। हालेलुया। अगर कोई ऐसा बाइबल रीडिंग आपको मालूम पड़ गया, आज का बाइबल रीडिंग क्या है, 18, 19, 20, 21 चैप्टर, 4 अध्याय, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ओके, ये अगर आपके अंदर आता है ना कि ओ माय गॉड 4 अध्याय आज एक दिन में, नहीं 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 नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अशुद्ध आत्माओं का घर आपने रुकने दिया है आपके शरीर के ऊपर। समझ में आया? क्योंकि अशुद्ध आत्मा आपको आलसी बना देता है। ऐसा डायलॉग आपके अंदर से जब निकलता है तो आप समझ जाना है आपको प्रभु भोज की जरूरत है, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हमको एक बार में 4 अध्याय अगर दिखाई दिए पढ़ना है तो हमको अरे बापरे नहीं लगना चाहिए। अरे बापरे ऐसा अगर हमारा एहसास आया तो हमारे अंदर अशुद्ध लोगों ने अशुद्धता के काम फंसाए रखे हैं, और अगर अशुद्धता के काम फंसाए रखे हैं तो हमको प्रभु भोज की ज़रूरत है। अगर हम प्रभु भोज ले चुके हैं तो हमको पवित्र आत्मा मिलेगा और परमेश्वर के स्वर्ग की सेना हमारे इर्द गिर्द फैल जाएगी और हमारे काम आसानी से हम कर पाएंगे, और हम बोलेंगे हम और भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसके बिना हमें और काम भी क्या है? हालेलुया। इसके बिना हमें और करना भी क्या है? हम कोई जिद नहीं करेंगे, ओके? अगर ये 4 अध्याय है, अगर हमको मालूम पड़ा तो हम सेटिंग लगा देंगे, ठीक है अभी तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, अगले बार का खाना खाने का समय रहेगा उस समय मैं ये आधा घंटा यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं घर में आऊँगी तब मैं आधा घंटा यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं जो मेरे जीवन में मिलने वाला है समय ये 6 बजे तक मैं पूरा करूँगी। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर से परमेश्वर का जो काम है उसके बारे में आपको ज़रा भी केयरलेस होने नहीं देना है। यही वचन है आज हमारे लिए मनन करने के लिए। ज़रा भी आप उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ज़रा भी आप उसके ऊपर संदेह नहीं करना है, ज़रा भी आप उसको ढीला करके थोड़ा दूर नहीं हटा देना है। हाँ, अभी अगर मेरे पास ऐसा हो जाता है, जब मैं 3:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ एकदम सुबह, तो मेरे अंदर से ऐसा होता है अब ठीक है 4 बजने दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध आत्माओं के काम का असर मुझे ढीला कर दिया, आलसी कर दिया, ओके, और फिर बाद में मैं 4 के क्या हो जाती हूँ, 4:15, 4:15 के क्या हो जाती हूँ, 4:30, और फिर उठने के बाद मुझे ऐसे लगता है जाने दो डायरेक्ट रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पढ़ेंगे, अरे जाने दो सिर्फ बाइबल रीडिंग ही करेंगे, ओ जाने दो सिर्फ कन्फेशन ही करके छोड़ देंगे। नहीं, फिर मैं क्या करती हूँ,
उठ जाती हो, जो रेगुलर करती हो वो शुरुआत करती हो, प्रभु भोज लेती हो और बड़े उत्साह के साथ मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर परवाह नहीं करती हूँ कि आगे का समय मुझे कौन से काम रुके पड़े हैं। मैं निकलते जाती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये काम जो मैं कर रही हूँ अब ये मैं शुद्धता से और परमेश्वर की चाहत से भर कर रही हूँ। हालेलुया। और तब मैं आपको जो देती हूँ तो असर कर जाता है। हालेलुया। और जब मैं ऐसा नहीं करूँ तो फिर वो बेअसर रहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर की धुन ठंडी पड़नी, ये अशुद्धता के जगत के लोग काम करते हैं। हमने ठंडे नहीं पड़ना है। हमने जो पढ़ा रोमियो के पत्री के 12 अध्याय के 11 वचन में, हमने वही पढ़ा कि हमारी धुन जलजलाहट से भरपूर रहनी चाहिए, जैसे उबलता हुआ पानी है। हालेलुया। और बिल्कुल प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है। हालेलुया। हम कोई भी परमेश्वर के काम हमारे आगे रखे जाए तो कभी ये नहीं कहना है कि ओ माय गॉड, नहीं। हमने क्या कहना है, अच्छा ये प्रोजेक्ट आया है हमारे हाथ में, कोई बात नहीं है, तो अब मैंने अपना शेड्यूल चेंज करना चाहिए। ठीक है, मैं रात को 8 घंटे सोती हूँ तो अब मुझे ज़रा ये प्रोजेक्ट होने तक 5 घंटे सोना पड़ेगा। हालेलुया। अच्छा तो फिर दोपहर का वक्त है जहाँ पर मुझे लंच टाइम मिलता है, तो लंच टाइम में शायद से इतना नहीं मैं समय दूँ तो चलेगा, तो फिर मैं जितना मिलता है उतना समय में ये प्रोजेक्ट कर रहा हुआ काम पूरा करूँगी, लेकिन वो दिन को मैं पूरा करके वो प्रोजेक्ट पूरा करके रखूँगी। हालेलुया। तो इस प्रकार से मैं और मेरे आत्मिक बेटी ने ऐसे दौड़ शुरू की थी कि हम अन्य भाषा, वो और मैं लगातार हमने स्टार्ट की थी। वो मुझे पकड़ लेती थी, 11 बजे का टाइमिंग है तो वो मुझे पकड़ लेती थी, और अगर हमारी मुलाकात ना हो जाए तो हम अपनी अपनी जगह में ही शुरू हो जाते थे और बीच में हम एक दूसरे को पकड़ लेते थे और कंटिन्यू हो जाते थे। रात के वक्त में अगर वो सो गई तो मैं जाग रही हूँ तो मैं उसको पकड़ लेती थी और उसको आगे के समय में दौड़ाती थी। इस प्रकार के समय हम लोगों ने एक दूसरे को हेल्प करते करते बिताए। हालेलुया। आज वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े अभिषेक के लिए तैयार है। आमीन। तो इस प्रकार से परमेश्वर का काम बड़े धुन के साथ करने के लिए सिर्फ रास्ता देना पड़ता है हमको, और कुछ नहीं है। हमको सिर्फ शेड्यूलिंग करना पड़ता है। अगर हम सही ढंग से शेड्यूलिंग करेंगे तो वो स्केड्यूल्स हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे और हमारे अंदर से हम प्रयत्नशील रहेंगे और परमेश्वर के लिए हम हमेशा जलते हुए रहेंगे, जलजलाहट से भरपूर पैशन से बने रहेंगे। और जितना हम अपने कामों को इतने ईमान रखते हुए करते जाएंगे ना, तो फिर स्वर्ग की सेना भी उतनी ही सामर्थ्य से आएगी। हमने पढ़ा ना पिछले दिनों में रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में क्या दिया था, कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है यीशु मसीह को भेजने के लिए। वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कोई मनुष्य नाश ना हो। हालेलुया। तो हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे अवसर मिलेगा जब आप अशुद्ध काम करने वाले लोगों से परेशान होते हैं, उस समय भी अपने प्रयत्न को छोड़ते नहीं है, अपने शेड्यूल्स को छोड़ते नहीं है, अपने प्रोजेक्ट्स को छोड़ते नहीं है, अपने प्रोजेक्ट्स के लंबाई चौड़ाई जितने डेप्थ है आप उससे डरते नहीं है। हालेलुया। आप तैयार रहते हैं उन सारे कामों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो ये है सीक्रेट कि हमारे प्रार्थना का असर, हमारे चाल चलन का परमेश्वर में जो असर हमने मजबूत करना है, वो रास्ता कौन सा है, प्रभु भोज से है। ये मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया जो मैंने आपको शेयर किया, और आज का वचन भी हमको वही बता रहा है कि हमारे अंदर से ये पैशन बनाने रखने के लिए ही प्रभु भोज काम करता है। हालेलुया। अशुद्धता, पाप, अधर्म, ये हमारे हिस्से नहीं है। इसको निकालने में ही प्रभु भोज का वो शरीर काम करता है जो यीशु मसीह का शरीर हम खाते हैं। हालेलुया। अब उसमें क्या आ गया, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आ गया। अगर शरीर में परमेश्वर का जीवन आया तो क्या परमेश्वर के जीवन में आलसीपन है? नहीं, परमेश्वर के जीवन में योजनाबद्ध जीवन है, स्केड्यूल्ड लाइफ है। हालेलुया। वो जानता है पहले दिन
क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, आठवें दिन, सातवें दिन क्या करना है, ये सब कुछ उसके पास शेड्यूल किया हुआ है। हालेलुया, पहले मंथ में क्या करना है, सेकेंड मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ के कौन से दिन में क्या करना है, उसके पास पूरी तैयारी रहती है। रोज के रोज परमेश्वर हमको बताता है आने वाले दो दिन में हमको क्या करना है, आने वाले कल में क्या करना है, आने वाले अगला पल जो आ रहा है उसमें हमने क्या करना है, कितना प्रोजेक्ट्स हमको स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर देता जाता है। हालेलुया, लेकिन हम क्या करते हैं, आलसीपन करके उसको दूर धकेल कर रख देते हैं और फिर हम अशुद्धता के कारण आलसी हो जाते हैं, हमारी पैशन धीमी हो जाती है और हमारे मुंह से जब परमेश्वर के प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं तो हम बोलते हैं क्या बोरिंग प्रोजेक्ट है, ये बोरिंग नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा के, परमेश्वर के स्वर्ग के सेना को आप उतरने देने का रास्ता है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का काम हमारे बीच में मजबूती से हो सके। हालेलुया, अब हम पढ़ेंगे आइज़या 60 चैप्टर 1:3। आइज़या 60 चैप्टर 1:3। अराइज शाइन फॉर thy लाइट इज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज risen अपॉन thee, फॉर behold, द डार्कनेस shall कवर the अर्थ एंड gross darkness द पीपल, बट द लॉर्ड shall arise upon thee and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light and kings to the brightness of thy rising. Hallelujah. और एक बार पढ़ेंगे Isaiah 60 chapter 1:3 King James version में से, Arise, shine, for thy light is come and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon the earth, upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light and kings to the brightness of thy rising. हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे, यशिया की भविष्यवाणी 60 अध्याय उसका 1-3। यशिया की भविष्यवाणी 60 अध्याय 1-3। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, ये वचन जो हमने पढ़ा है, मैंने जब पहली बार पढ़ा था बहुत साल पहले, मुझे एक प्रचारक में एक सेमिनार में मुझे ये वचन सुनने को मिला था, तब मैंने बहुत गहरा अभिषेक इस वचन में से प्राप्त किया था, क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस था, सेमिनार नहीं था, कॉन्फ्रेंस था, और उसमें ये सिखाया जा रहा था, सिखाया मतलब ये प्रोफेटिकली बोला जा रहा था, भविष्यवाणी के शब्दों में इसे बोला जा रहा था। तो इस प्रकार से हमको ये वचन का जो असर आया था, वो असर एक अलग प्रकार का अभिषेक मेरे अंदर प्रवेश कर गया था। ओके, आज के दिन में ये वचन आज तक मुझे ये ताजगी देता है, लेकिन आज के दिन में ये वचन मुझे उस समय के अभिषेक से ऊंचे लेवल का कुछ बातें दिखाता है कि मैं यहाँ पर जो सहन कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जो अशुद्धता अधर्म के कामों के असर मेरे शरीर को परेशान करने के लिए मैं देख रही हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर फाइट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि इनके साथ मैंने कैसे फाइट करना है। इसके लिए मैंने 21 डेज़ का
प्रेयर सेशंस लगा दिया कि परमेश्वर मुझे बता दे ये क्या है और किस प्रकार से मैंने इसको अच्छे से निपट लेना है। तो परमेश्वर का जवाब आज के दिन में भी हमको मिल गया और ये वचन अभी मुझे वही जवाब बता रहा है। आप अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो हमारे लिए ये जवाब है कि जब दुष्टता के जगत के लोग आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ठंडा करने के लिए आपके आत्मिक अवस्थाओं के अंदर से आप परमेश्वर की सेवा बड़े चाव के साथ ना कर पाए, इसके लिए दुष्ट आत्माओं का डेरा आपके शरीर को दिया जाता है, हम आपके इर्द गिर्द दिया जाता है। जितना हो सके आप ऐसे गंदे अवस्था में पड़े रहे कि दुष्ट आत्माएं भर भर के आपके इर्द गिर्द पड़ी रहेगी, ताकि आप ढीले बने रहो, आपके अंदर आग ना भड़के परमेश्वर की। हालेलुया। लेकिन अब मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो, उठ प्रकाशमान हो। ओके, जैसा आज मैंने आपको बताया, मुझे पवित्र आत्मा ने क्या बोला, तुझे जब तू फिर भी परमेश्वर के काम कर रही होती है तब क्या हो जाता है, परमेश्वर के स्वर्ग की सेना उतर कर आती है और लोगों के मन बदलने लगती है। मेरे लिए काम नहीं करती है वो किसके लिए काम करती है, जो अंधेरे में बैठे हैं उनके ऊपर काम करती है। हालेलुया। जो मन फिराव के लिए तैयारी से बैठे हुए हैं, खेत पक चुके हैं लेकिन काम करने वाले थोड़े हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सेवा बड़ी धुन के साथ कर रहे होते तो हमारे ऊपर परमेश्वर के स्वर्ग की सेना उतर कर आती है और वो आकर हमारे इर्द गिर्द में फैले हुए अंधियारे को हटाना शुरू करती है। ओके, खेत में जो बीज डाले गए थे वो मालिक को बोल रहे, दास कि तूने तो अच्छे बीज लगाए थे, पर ये क्या है, जब फसल निकली तो कड़वे बीज और फसल के अच्छे बीज भी दिख रहे हैं, तो तूने कहाँ कड़वे बीज लगाए थे। तो वो मालिक बोलता है, खेत वाला वो बोलता है कि मैंने तो अच्छे बीज लगाए, हो सकता है रात के वक्त में मैं सोया तब बैरी ने आकर कड़वे बीज डाले। और फिर उसके दास बोलते हैं, जाकर हम कड़वे बीज को उखाड़ दे क्या, तो अलग कर दे क्या। तो फिर वो मालिक बोलता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, अगर तुम जाओगे तो कड़वे बीज तो उखाड़ोगे लेकिन अच्छी फसल को भी कड़वे बीज की फसल समझ कर उखाड़ सकते हो, तो नुकसान कर दोगे, इससे भला है कि तुम रुक जाओ, परमेश्वर के स्वर्ग दूत आकर ये काम पूरा करेंगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, ओके, जब हम परमेश्वर के काम करने में मगन हो जाते हैं, आप प्रचार सुनते हैं तब भी परमेश्वर की सेवा रहती है, आप आराधना सुनते हैं तब भी परमेश्वर की सेवा रहती है, आप प्रार्थना करते हैं तब भी परमेश्वर की सेवा रहती है, आप बाइबल रीडिंग करते हैं तब भी परमेश्वर की सेवा रहती है, आप रेगुलर जितना कर रहे होते हैं, रेगुलर नॉन स्टॉप आप जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की सेवा है। और फिर वहां पर क्या आता है पता है, परमेश्वर के स्वर्ग की सेना उतर कर आती है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को उसका लाभ मिलता है, आपको नहीं। हालेलुया। आपको फायदा नहीं है, फिर आप बोलेंगे मैं तो इतना प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तो ऐसे कर रही हूँ, मैं तो वैसे कर रही हूँ, और फिर भी मुझे अशुद्ध आत्माएं क्यों परेशान कर रही है। लेकिन वो आपके लिए नहीं आए थे स्वर्गदूत, आपने सेवा की परमेश्वर की, इसके लिए स्वर्ग की सेना उतर कर आई और आपके इर्द गिर्द जो मन फिराव के लिए तैयार बैठे हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया, उनके मन फिराव कर दिए। हालेलुया। उनको परमेश्वर में लेकर आए। हालेलुया। उनको पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा देने का इंतजाम लगा दिया, उनके लिए कलसियाओं को नजदीक लाके दे दिया, उनका मन परमेश्वर की ओर चलने लगाया, उनको पाप छुड़वाने के लिए मजबूर कर दिया, उनको अशुद्धता में से हटने के लिए मजबूर कर दिया। हाय 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 हालेलुया। अगर ये सारी बातें आपको गवाहियों में देखने को मिलेगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, तो ये मेरे काम का असर आ गया है क्या यहाँ पर, ओ तो मेरे काम के असर परमेश्वर के स्वर्ग के सेना ने आकर दिखाया है। हालेलुया। तो आप जब ये काम बंद कर देते हैं ना, तो स्वर्ग की सेना भी परमेश्वर की बंद हो जाती है। ओके, और ये काम चलते रहेंगे ना आप, तो परमेश्वर के स्वर्ग की सेना भी आपके इर्द गिर्द में
बड़े पैमाने में काम करती रहेगी, आपके शहर के अंदर, आपके देश के अंदर, आपके राष्ट्र के अंदर, आपके राज्य के अंदर। कितना है, जितना फैलाव आप बढ़ाना चाहते हैं उतना ज़्यादा समय आप परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। आप परमेश्वर को समय देते समय जब क्वेश्चन मार्क आता है आपके पास, अब तो सोने का समय है, ओके, अब तो जागने का समय है, अब तो बस थोड़ा सा आराम करने का समय है, अब तो कहीं घूम कर आने का समय है, अब तो नहीं, तो आप समझ जाना है कि आप परमेश्वर की स्वर्ग की सेना को रोकने के लिए अशुद्ध आत्मा के जगत के लोगों ने आपको ठंडा करके रखा है, क्योंकि शरीर कमज़ोर है, वो ठंडा पड़ जाता है, हाँ, परमेश्वर के धुन में वो थक जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा प्रभु भोज लेने से जीवित हमारे अंदर सब कुछ सही ठिकाने लगा देता है, ओके, और हम शुद्धता में परमेश्वर के काम करना शुरू कर देते हैं। और मैंने फैसला किया है भाई, ओके, मैंने फैसला किया है बहन, ओके, जब भी अब मेरे सामने कोई प्रोजेक्ट परमेश्वर डाल देगा तो वो अगले समय तक मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। हालेलुया। उसको मैं तुरंत डायरी में डालूंगी, उसको तुरंत मैं लिख दूंगी कि इसको मैं कितने दिनों में कंप्लीट करने वाली हूँ और मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ, और मैं बिना रुके उसे कंप्लीट करने जा रही हूँ। हालेलुया। और आप सिर्फ चैनल देखते रहिए, आप सिर्फ चैनल फॉलो करते रहिए, आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि ये मेरा कैसा असर ला रहा है, परमेश्वर के काम कैसे होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मैं इस बात में फंसी पड़ी थी कि ये क्या है परमेश्वर, कि मैं तो तेरे कामों में मगन रहना चाहती हूँ, ये दुष्ट आत्माएं क्यों मुझे परेशान कर रही है। मेरा जवाब मुझे मिल गया। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के सेवा में नहीं रुकती हूँ तो स्वर्ग की सेना उतर कर आती है और लोगों के जीवन बदलने लगते हैं। हालेलुया। और इसके लिए मुझे नहीं रुकना है, अगर मैं रुक रही हूँ तो मुझे प्रभु भोज लेकर शुरुआत करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भोज हमारे अधर्म को माफ करता है, अशुद्धता को माफ करता है, और हमें शुद्ध पवित्र समर्थ ऐसा शरीर भर कर देता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा चढ़ जाता है और हमारे सारे जीवन के काम जो परमेश्वर ने दिया है वो हम पूरा कर पाते हैं। हालेलुया। और मैं इसे करने जा रही हूँ, और मैं जब भी मेरा शरीर कहेगा नहीं अभी नहीं, मैं तुरंत प्रभु भोज लेने वाली हूँ, ओके। आप जो करना चाहते हैं, ये मैंने रास्ता मेरे लिए बताया, अगर आप इससे सहमत हैं आप भी उठाइए और देखिए फर्क। हम ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक एक प्रोजेक्ट को अभी पार करते हुए निकल जाएंगे। हालेलुया। एक एक प्रोजेक्ट हम पार करते हुए निकल जाएंगे, परवाह नहीं हमारे ऊपर कौन क्या कहाँ कैसे आक्रमण कर रहा है, वी डोंट केयर। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ये बाहरी आंगन है और बाहरी आंगन का प्रोटेक्शन मजबूत है। हम परमेश्वर से चहेते हैं, हम परमेश्वर के संगति के हैं, हमको परमेश्वर के धुन में बने रहना है। तो बाहरी आंगन तो लग चुका है, परमेश्वर के प्रोटेक्शन कवरिंग से सिक्योर हो चुका है। अब हमको जो करना है वो ध्यान हटा देना है दुष्ट के ऊपर से, और हमको जो परमेश्वर ने प्रोजेक्ट दिया है उसके बारे में अगर हमारे अंदर चाहत नहीं उभर रही है तो फिर हमने प्रभु भोज लेना है, और प्रभु भोज लेकर हमने उस काम को शेड्यूल डाल के कंप्लीट करके जीत का झंडा लहराना है। हालेलुया। कम ऑन, ये बात आप फॉलो कर सकते हैं, और मैंने तो शुरू कर लिया है जो मैंने आपको बता दिया, ओके। तो इसके बाद आप सिर्फ चैनल में नई नई चीज़ों को आते हुए देखेंगे और आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे बढ़ता जा रहा है। आई डोंट केयर वो उसे कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत रिलीज हो जाते हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करना शुरू कर दिए हैं। ये सच्चाई छुप नहीं सकती है। हालेलुया। तो मेरा काम कुछ भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके अंजाम मुझे दिखाएंगे। हालेलुया। निश्चित 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 दिखाएंगे, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो अंजाम दिखा नहीं पाएंगे।
हालेलुया। तो इसके लिए मैंने अपने आलसीपन को, अपने अंदर के ठंडेपन को निपटने का रास्ता प्रभु भोज है और मैं बारंबार करने वाली हूँ। ओके, अगर मुझे घंटे घंटे में करना पड़ेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते समय, अगर मैं थक जाती हूँ और फिर मुझे लगेगा कि नहीं अब मुझे नहीं करना है प्रोजेक्ट, बस बहुत थक गई हूँ, तुरंत मैं प्रभु भोज लेने वाली हूँ और मैं दोबारा शुरू करूँगी और दोबारा उसे अंत तक पहुँचने तक मैं छोड़ूंगी नहीं बीच में। हालेलुया। तो इस प्रकार से मैंने ठान लिया है कि मैं प्रभु भोज खाते 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 मैं अपने प्रोजेक्ट पूरे करने जा रही हूँ। ओके, आई डोंट केयर मुझे शत्रु किस प्रकार से सताता है, आई डोंट केयर कहाँ पर कैसे प्रकार से क्या हो रहा है, मेरे अंदर का जो परमेश्वर मुझे प्रोजेक्ट दिया है उसको मैं पूरा करने का रास्ता पकड़ चुकी हूँ। हालेलुया। अभी तो सिर्फ 5th day है, आज तो सिर्फ 5th day है 21 days का, और देखो हमने कितनी बड़ी छलांग तक पहुंच लगा दी है। ओके, तो अब सोचो अगर और कितने दिन बाकी है, तो उतने दिनों तक पहुंचते पहुंचते हम कितने कैसी पक्की मजबूत नींव होकर बाहर आने वाले हैं। आप अंदाज कर सकते हैं कि सिर्फ 4 दिन बीत गए हैं, ये इतना असरदार हो रहा है, आप इमेजिन करके देखिए। जब 21 डेज हो रहा होगा तो हम कम्प्लीटली उसके अंदर घुल मिल कर एकदम मजबूत ताकतवर बनकर बाहर आएंगे। हालेलुया। और जब 1 month का असर ख़त्म होता है तब ख़त्म, और ही उड़ जाएंगे ऊपर। ओके, और जब 52 का ख़त्म होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई प्रोजेक्ट असरदार नहीं है ऐसा बोलने का कोई समय आएगा। ओके, सिर्फ इतना ही समय आएगा, और कितने प्रोजेक्ट बाकी है बताओ। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का तरीका हमारे सारे फैसले के बीच में, उसका काम हम कैसे पहचानना है। हालेलुया। तो हमने मनन क्या किया, और आज परमेश्वर के वचन में से वही मनन किया है हमने जो हमारी आज की ज़रूरत है। आप इस बात को भूलना नहीं है। ओके, रोमियो की पत्री 12:11 और यशिया की भविष्यवाणी 60:1-3 हम एक बार फिर पढ़ेंगे। यशिया की भविष्यवाणी 60:1-3 उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर जो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाते जाते तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अब एक काम करना है, जब हमारा 21 डेज ख़त्म होगा तो मैं एक ये वचनों को टाइप करके, ओके, मैं अपने लिए संभाल के रखने वाली हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने 21 डेज चलाया और इसके अंदर परमेश्वर ने इन वचनों से मुझे जो करना है उसकी जानकारी दे रखी है, ताकि मैं इस रास्ते को भटक ना जाऊं। हालेलुया। अगर आप करना चाहते हैं ऐसा, तो आप रोज़ इस 21 डेज का मनन करने वाला वचन डायरी में लिखा करो, जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वचन है डायरी में लिखा करो, जो बाइबल रीडिंग है डायरी में लिखा करो, ताकि आप 21 डेज में परमेश्वर से क्या प्राप्त किए ये आप आगे के समय में नहीं भूलना है। क्योंकि शैतान क्या रहता है, एक बार तो वो चला जाएगा, लेकिन दूसरी बार मौका देख कर दोबारा हमको अविश्वास में फंसाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है। ओके, तब यही वचन हमारे काम आ जाते हैं कि अरे उस समय तो मैंने जीत ली थी जंग, हाँ, तो ये तो शैतान झूठा है, इसके पास तो है नहीं कुछ, फालतू में ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर आपके पास किसी के ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाए तो तुरंत आप समझ सकते हैं, अच्छा ये तो 21 डेज में मैंने देखा था, मैंने समझा था, तो ये तो इस इंसान को सता रहा है,
ओके, तो कोई बात नहीं है, इसके बारे में हमने ऐसे ऐसे करना है, ये इंसान सीधाई के रास्ते में हो जाएगा, इसका जीवन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जा सकता है अगर हम इसकी सहायता करें, ओके। तो इस प्रकार से हम लाभदायी बनेंगे परमेश्वर के राज्य में। आपको और हमको ये 21 डेज का सेशन में जितना मिल रहा है, बहुत अच्छे से इसको हमारे साथ पकड़ लेना है, ताकि हम औरों के लिए भी लाभदायी रहे और खुद भी दोबारा शैतान के धोखे में ना आए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पवित्र आत्मा कि आपने हमारी समझ को सहारा दिया, हमारे सारे जगह जो कमज़ोर अवस्था में थे आपने पहचाने और हमको उसके बारे में सीधाई के रास्ते सिखाए, आपके रास्ते चलने का अनुग्रह आपने किया। हमें फिट एंड फिक्स कर रहे हो आप, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवन में ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस ला रहे हो, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में चलाते रहिए, हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।